हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आपके लिए लेके आए कुछ नया। मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेल हैक्स एंड नेल आर्ट्स, जिससे आप अपने नेल्स को बना सकते हैं एकदम ब्यूटीफुल। अगर आपके नेल्स पीले पड़ते हैं, जल्दी टूटते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेल हैक्स और नेल आर्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपके नेल्स ज़्यादा पीले पड़ते हैं तो उसके लिए आप एक बाउल में ल्यूक वॉर्म वाटर यानी गुनगुना पानी लें। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें स्पून में। ये एलोवेरा जेल मैंने ले लिया, और कुछ ड्रॉप्स ऑफ आप लेमन जूस के लिए, इस तरह से लेमन जूस मैंने ले लिया। उसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ से मिक्स कर सकते हैं आप इस तरह से। और अपने नेल्स को इस तरह से, दोनों हाथों के नेल्स को आप 2 से 3 मिनट डिप करके रखें। क्लीन करने के बाद आप अपने हैंड्स को टॉवल या हैंकी की हेल्प से ऐसे वाइप कर लें। ये देखिए आपके नेल्स इसे क्लीन हो जाएंगे। और उसके बाद आप थोड़ा सा वैसलीन अपने फिंगर्स पर इस तरह से लगा करके, अपने हाथ में इस तरह से लगा करके आप इस तरह से मसाज करें। इनर साइड में भी आप इसको अच्छे से मसाज करें और इसको इसी तरह ओवरनाइट छोड़ें, तो आपके नेल्स पीले पड़ने कम हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हैक नंबर 2, अगर आपके नेल्स जल्दी टूटते हैं तो उसके लिए आप क्लीनअप के बाद अपने नेल्स पर काम करते वक्त इस तरह से फेविकॉल लगाएं, इस तरह से फेविकॉल लगाएं। अपने इस तरह लगाएं, लगाने के बाद ये ड्राई हो जाए तो आप अपने घर का कोई भी काम कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, आप ये ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों में। नंबर 3, अगर आपका एन टाइम पर रिमूवर ख़त्म हो गया है और आप नेल पेंट लगा रहे हैं और आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए आप एक बाउल लें और उसमें 1 स्पून विनेगर, 1 स्पून विनेगर इस तरह से डाल के इसमें आप लेमन जूस ऐड करें और इसको मिक्स करके कॉटन की हेल्प से इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने नेल पेंट लगाई। और इसको आपको रिमूव करना है तो इस तरह से आप इसको, ये देखिए, ये आपका रिमूव हो गया। अगर आपका रिमूवर नहीं है और एंड टाइम आपको रिमूवर चाहिए, तो विनेगर प्लस आप इसमें लेमन जूस ऐड करके इसको अपना रिमूवर बना सकते हैं। बट ये ज़्यादा अगर आपकी ड्राई हो जाएगी नेल पेंट तो उस पर काम नहीं करेगा। अगर आपको इंस्टेंट रिमूवर चाहिए तो ये वर्क करता है। नंबर 4, अगर आपके पास नेल पेंट नहीं है तो आप अपने फिंगर्स पर इस तरह से फेविकॉल लगा करके इसको इस तरह से लगा लें और ड्राई होने दें। मैंने दोनों फिंगर्स पे लगाई हुई है फेविकॉल, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से नेल पेंट में लगाती हूँ। एंड इस पर भी इसको मैं ड्राई होने देती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये ड्राई हो गई है, मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। आप प्लकर से या नाइफ या स्पून की हेल्प से इसको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से हल्का सा आपने रिमूव किया, और ये देखिए ये आपका रिमूव हो गया है, और आपके नेल्स भी इससे पीले नहीं पड़ेंगे और सेफ भी रहेंगे। देखिए इस तरह से आपका रिमूव हो जाएगा सारा। हैक नंबर 5, जब आप नेल पेंट लगाते हैं और आपके क्यूटिकल्स पर यहाँ पर इस तरह से नेल पेंट लग जाती है, तो उसे बचाने के लिए आप वैसलीन को फिंगर टिप्स पर लें और यहाँ पर हल्के से अपने क्यूटिकल्स पर इस तरह लगाएं। तो जब आप नेल पेंट लगाएंगे इस तरह से, तो वो आराम से हट जाएगी। आप कॉटन की हेल्प से इसे आराम से हटा सकते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इसको मैं दूसरे पे दिखाती हूँ आपको भी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से फैल जाती है, तो ये जहाँ पर वैसलीन लगी हुई है वहाँ पर ये क्यूटिकल्स पर आपकी फैल गई है, तो ये देखिए आराम से रिमूव भी हो जाएगी आपकी नेल पेंट। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेल आर्ट की तरफ। इसमें टेप लगाया, इसमें थ्रेड टाई कर लिया, और इसमें मैं अनदर कलर से देखिए इस तरह से और इस तरह से और ये इस तरह से और सूखने के बाद इसको आप रिमूव करें, क्योंकि अगर आप गीली में रिमूव करेंगे तो ये फैल जाएगा।